हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुकिंग इंडिया में। आज हम बनाएंगे तनी की बर्फ़ी और जन्माष्टमी के लिए भोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, गैस हमने ऑन कर दिया। इसमें हम 2 चम्मच घी ले लेंगे। तो गैस को हमें मंदी ही रखना है, गैस हमें तेज़ नहीं करनी है। तो घी को अच्छे से गरम कर लें। तो देखिए घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है। तो जन्माष्टमी पे धनिया की बर्फ़ी ज़रूर बनाएं, वो भोग के लिए ज़रूरी होती है। तो जन्माष्टमी पे कृष्ण जी को धनिया की ही बर्फ़ी का भोग लगता है। तो चलिए इसके लिए हम काजू को भून लेंगे। तो आप कोई से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इसमें हमने काजू को ले लिया है, काजू को भून लेंगे 1 मिनट के लिए। तो गैस को हमें मंदी रखना है वरना काजू हमारे जल जाएंगे। तो उन्हें हल्का सा हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो देखिए काजू हमारे भून चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे अब। तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लें। देखिए काजू हमने निकाल लिए हैं। अब हम गोले का बुरादा ले लेंगे 1 कप, उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। आपको अगर गोले का बुरादा पसंद है तो आप डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो हमने धनिया की बर्फ़ी में गोले का बुरादा भी डाला है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो हम बर्फ़ी थोड़ी सी ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, भोग के लिए बनाएंगे, क्योंकि कृष्ण जी को धनिया की बर्फ़ी का ही भोग लगाया जाता है। वो बहुत ही अच्छा लगता है भोग। तो आप धनिया की बर्फ़ी का भोग ज़रूर लगाएं कान्हा जी को, वो बहुत ही टेस्टी होता है और उससे ही भोग लगाएंगे। तो चलिए गोल का बुरादा हमारा भून चुका है, उसे निकाल देंगे। तो अब 1 चम्मच घी हम और ले लेंगे। इसमें हमें धनिया को भी भूनना है। तो ये हमने 1.5 चम्मच घी ले लिया है और ये हमने 2 से 3 चम्मच धनिया ले लिया है। तो धनिया का हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, धनिया हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि हम भोग के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम धनिया थोड़ा ही यूज करेंगे। तो धनिया को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए गैस को मंदी ही रखना है। तो धनिया में बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और धनिया भी हमारा भुन चुका है अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है धनिया में। तो जब भी हमारा धनिया भुनता है, तो जब हमारा धनिया भुन जाता है तो उसे खुशबू आने लगती है। तो अब धनिया हमारा भुन चुका है, इसे निकाल देंगे और अब हम कढ़ाई को ले लेंगे। और इसमें हमने 1 कप 1/2 कप चीनी ले ली है और इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे, लगभग 2 चम्मच के करीब में। तो हमें इसमें 2 चम्मच पानी लेना है। पानी का हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसे इसकी एक तार की चाशनी बनानी है, हमें ज़्यादा पतली चाशनी नहीं बनानी है। तो इसमें हम पानी का कम ही यूज करेंगे। तो गैस को मंदी रखें वरना चाशनी हमारी जल जाएगी। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में कि चीनी हमारी अच्छे से पिघल जाएगी। ये देखिए इसे इस तरीके से चलाते रहें ताकि चीनी हमारी अच्छे से पिघल जाए। तो चाशनी को हम ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाएंगे और एक तार की चाशनी हमें बना के रेडी करनी है। तो ध्यान रखें चाशनी का कि चाशनी ज़्यादा 2 तार वाली ना बन जाए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। तो इसे हम चलाते रहेंगे। तो पानी का ज़्यादा यूज नहीं करना है हमें इसमें। तो इसे अच्छे से चलाते रहें। ये देखिए चाशनी हमारी कितनी अच्छे से पिघल चुकी है और गैस को हमने मंदी ही रखा है, वरना
और चाशनी को चेक कर लेंगे। तो देखिए चाशनी हमारी एक तार की बन चुकी है। तो अब इसमें हम मावा डाल लेंगे। आप चाहें तो चाशनी को बाहर निकाल के मावे को पहले डाल सकते हैं, पर हम चाशनी के अंदर ही मावे को डाल लेंगे। उससे चाशनी और मावे का जो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मावा हमने ये घर पे ही भुना है, हमने ये मावा मार्केट वाला नहीं लिया है, ना ही हमने इसमें बर्फ़ी में कोई भी और चीज़ डाली है। हमने सिर्फ इतनी ही चीज़ डाली है क्योंकि हम ये फास्ट के लिए बना रहे हैं, भूख के लिए बना रहे हैं। तो हम इसमें कोई भी और चीज़ नहीं डालेंगे, ना मैदा ना ही और कोई चीज़ डालेंगे। तो देखिए बर्फ़ी को भी हम मावे को भी अच्छे से भून लेंगे ताकि मावे में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी अच्छे से भुन जाए। तो मावे को हम ज़्यादा भूनेंगे नहीं। अब इसमें हमने ये गोले का बुरादा डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दें गोले के बुरादे को, और गोले के बुरादे डालने से बर्फ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम धनिया को डाल देंगे। तो हम धनिए हमने थोड़ा सा लिया है क्योंकि हमें सिर्फ इस धनिए का थोड़ा सा फ्लेवर ही लाना है ताकि भोग में। तो धनिए की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और सब बहुत ही पसंद से खाते हैं, तो आप ज़रूर बनाएं जन्माष्टमी पे कृष्ण जी के भोग के लिए धनिए की बर्फ़ी। तो देखिए बर्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है मिक्सर। अब हम एक पैन एक था प्लेट ले लेंगे, उसमें हमें बटर पेपर लगा लेना है और उस पर अच्छे से घी लगा देंगे ऊपर से ताकि बर्फ़ी हमारे अच्छे से छूट जाए। तो देखिए हमने अच्छे से घी लगा दिया है। अब इस पर हम जो हमने बर्फ़ी बनाई बर्फ़ी का मिक्सर बना के रेडी किया है उसे निकाल लेंगे। तो इसे अच्छे से निकाल लें और ठंडा होने से पहले हमें इसे जमाना है, वरना ये गाढ़ी हो जाएगी और फिर अच्छे से जमेगी नहीं। तो इसे जल्दी से अच्छे से निकाल लें और जल्दी से इसे जमा दें। तो देखिए बर्फ़ी का मिक्सर हमने निकाल लिया है, इसे अच्छे से हम जमा लेंगे। तो देखिए इसे हम अच्छे से फैला देंगे। तो अभी बर्फ़ी का मिक्सर हमारा अभी गर्म है, तो इसे हम जल्दी जल्दी फैला देंगे ताकि बर्फ़ी हमारी अच्छे से जम जाए। तो इसे हम देखो इस तरीके से चौकोर शेप दे देंगे, और देखिए हमने ये अच्छे से जमा दी है। और इस पे हम काजू लगा देंगे, जो हमने काजू हमने फ्राई किए थे। तो आपको जो भी फ्रूट ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो इस पे सजा सकते हैं, वरना आप ऐसे भी रख सकते हैं इसे। तो देखिए बर्फ़ी हमारी बन चुकी है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसी ही रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और अच्छे से जम जाए। तो देखिए इस पे हमने सारे काजू को लगा दिया है। अब इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। तो अब देखिए आधा घंटा हमारा हो चुका है, अब इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी कितने अच्छे से जम के रेडी हुई है, और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुई है क्योंकि हमने चाशनी बहुत बस एक तार की बनाई थी, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं की थी। तो ये अच्छे से कट भी रही है और बहुत सॉफ्ट भी बनी है। तो इसे अच्छे से कट कर लेंगे बर्फ़ी को। ये देखिए बर्फ़ी हमारे अच्छे से कट हो चुकी हैं। तो आप ज़रूर बनाएं सबके लिए और सबको बनाकर खिलाएं, और कृष्ण जी को ज़रूर भोग लगाएं धनिया की बर्फ़ी का। तो बर्फ़ी हमारी कट चुकी है, इसे हम सर्व कर लेंगे, एक प्लेट में निकाल देंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये छूट रही हैं। तो इसे एक प्लेट में निकाल दें बर्फ़ी को, या फिर आप ऐसे भी इसे रख सकते हैं। तो देखिए बर्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, आप ज़रूर बनाएं और सबको बनाकर खिलाएं। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। हम आपसे आगे मिल